1800 11 4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जी हाँ दोस्तों, आज आप एक खास दिन के तरह से हम आज के दिन को मना रहे हैं। मना क्या रहे हैं, एक ऐसा दिन जब हम और आप, जो हमारी भूमिका रहती है एक उपभोक्ता की, एक कंज्यूमर की, उसके तहत आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके तहत आने वाली जो मुसीबतें हैं, उनको हम कैसे उनसे निपटारा करें, इन सब बातों को लेकर ही वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत आती है, चोर बाजारी हो, काला बाजारी हो, तो अक्सर हम इस पशुपेश पे पड़ जाते हैं कि कहाँ जाएं, किससे अपनी मुसीबत को हम शेयर करें, कैसे हम से इससे निपटारा पाएं। कुछ ऐसे ही बातों को हम अगर अपने शो में लेके आएं और आपसे कहें कि आप भी उसमें शिरकत करें, तो भाई फिर बात और आगे अच्छी तरह बढ़ पाएगी। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर शीतल कपूर, जो आपके इन सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगी। शीतल जी, आपका बहुत 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 सारा हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि शीतल कपूर जी से आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में, और अगर आपको कोई सवाल है तो हमें इस नंबर पर फोन करिए 2309 7532, और यदि आप दिल्ली के बाहर से या मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो 011 जरूर लगाइए। शीतल जी, आज है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए कि क्या क्या है उनके अधिकार अगर वो एक ग्राहक है तो। देखिए, आपको 6 अधिकार तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है उसके अंतर्गत मिलते हैं, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार है, फिर सूचना का है, और शिक्षा का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, कोई भी सामान खरीदते हैं तो चुनने का अधिकार है, और फिर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास कंज्यूमर फोरम्स है। उसके अलावा जो है दो और अधिकार हैं जो कि बेसिक नीड्स हैं, वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और एक है कि सस्टेनेबल एनवायरमेंट, वो अधिकार जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास 8 अधिकार हैं, और ये अधिकार जो है 1986 के में हमें मिले हैं, और उससे पहले भी जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की शुरुआत जो है वो यूएस में हुई थी, जब 15 मार्च को जो है जॉन एफ कैनेडी ने ये तोहफा दिया था अपने सिटीजन्स को कि उन्होंने 4 राइट्स दिए थे, और उसके बाद जो है कंज्यूमर इंटरनेशनल ने इसी दिन को चूज किया और वर्ल्ड वाइड ये मनाया जाता है एज कंज्यूमर राइट्स डे। जी, तो आपने हमारे दर्शकों को तो बताया कि उनके क्या क्या अधिकार है, लेकिन आइए जानते हैं कि लोगों को कितनी जागरूकता है अपने इन अधिकारों के बारे में। कंज्यूमर है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, नो आइडिया। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को कंज्यूमर डे मनाया जाता है। डे के बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ, मुझे पता है कि 15 मार्च को कंज्यूमर डे है। डे का तो पता नहीं है। नहीं। कंज्यूमर डे जो है 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जैसे आपने देखा क्लिपिंग में, कुछ लोगों को जागरूकता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं है, पर ईएलएस के जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, हमें जाने कि हमारे साथ काला बाजारी की गई है, चोर बाजारी की गई है, कुछ गलत हुआ है, गलत उत्पाद हमने लिया है, कहने को तो कंज्यूमर कोर्ट्स है, कहने को तो एक अधिनियम भी है, लेकिन आम आदमी कहां जाए, किससे बात करे? आम आदमी को सबसे पहले तो जहां से उसने सामान लिया है या सर्विस ली है तो उस पर ही जो है दबाव डालना चाहिए कि वो उस चीज को बदले, या फिर उसे जो है उसका पैसा रिफंड करे, या किसी तरह भी वो जो है उसका चीज, जब उसने पैसा दिया है तो उसे सही चीज मिलनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो बात नहीं सुनता है तो आप मैन्युफैक्चरर को लिखिए, और ये सब जो प्रणाली है वो आप लिखित में करिए, कोई भी काम जो है वो मौखिक रूप से नहीं करिए, क्योंकि उसमें जो है आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा। जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे तो वो सबूत मांगती है। तो कहने का मतलब ये है शीतल जी, ये सब हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास जानकारी है, क्योंकि शीतल जी ने
बात की है प्रूफ की, सबूत की, शायद आप बात कर रही हैं बिल यानी रसीद की। अक्सर अगर छोटी मोटी खरीद हम करते हैं तो रसीद लेना तो भूल जाते हैं, उसको लेना जरूरी ही नहीं समझते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये वो इकलौता सबूत है कि हम जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सके। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो आपका यही सबूत होगा। चाहे अगर आप कोई शिक्षा इंस्टीट्यूट में भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई आप बैंक में प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम है, तो इन सब स्थितियों में आपको जो है वो प्रूफ जो है प्रूफ ऑफ परचेज बिल ही माना जाएगा। जी, तो हमारे साथ कॉलर भी जुड़ना शुरू हो गए हैं और कंज्यूमर राइट्स के बारे में शायद कुछ सवाल है उनके। अपना पहला सवाल पूछिए। नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, मैं गिरीश चतुर्वेदी महेश्वर से बात कर रहा हूँ। जी ये कुछ वस्तुओं के ऊपर दाम नहीं लिखे रहते, तो क्या गवर्नमेंट इसको नहीं रोकती? जैसे अगरबत्तियों के ऊपर या और कुछ ऐसे पैकेट रहते हैं उनके ऊपर दाम नहीं लिखे रहते हैं। अब दुकानदार के पास में जाते हैं हम लोग और वो उसे वस्तु खरीदते हैं, वो कुछ भी बता देता, लेना पड़ता है। जी, तो इसके लिए कोई निरीक्षण का नहीं ऐसा कुछ है? देखिए, वस्तु जो भी खरीदे मेरे से तो वो आप जो है छोटी से छोटी वस्तु भी है उस पर अगर जो है दाम नहीं मेंशन है तो वो आप उसका कोई प्रूफ ही नहीं है और आप उसकी ना कोई कंप्लेंट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगरबत्तियां भी अगर आप खरीद रहे हैं तो आप जो है चेक करके लीजिए और अगर हमारे जो जितने भी ये है गवर्नमेंट की शॉप्स हैं तो उनमें अगर आप अगरबत्तियां लेते हैं तो आपको उसमें एक प्रॉपर MRP लिखा होता है। MRP जो है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उससे ऊपर जो है मैन्युफैक्चरर नहीं चार्ज कर सकता है, पर उपभोक्ता का हक है कि वह बार्गेन कर सकता है। जी, और हमारे दर्शकों के लिए एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी है और एक वेबसाइट भी है जिस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो हमारे स्क्रीन पर हम अभी आपको दिखाएंगे, तो वो आप नोट कर सकते हैं। और शीतल जी, अगर किसी को कोई परेशानी है, कई बार होता है छोटे छोटे हिडन चार्जेस होते हैं, हमें ये लगता है कि जैसे हमारे स्क्रीन पर ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर अभी फ्लैश हो रहा है, टोल फ्री नंबर 1-800-111-4000, तो अगर कोई छोटे छोटे हिडन चार्जेस हैं तो वो किस तरह से उस चीज के लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ये आपसे जानेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी दोस्त, अपना प्रश्न पूछें। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कंज्यूमर बोर्ड में जाने के लिए सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? जी देखिए, प्रक्रिया बहुत सिंपल है। पहली बात तो है कि जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाना अगर चाहते हैं, अगर आपको हर जगह से मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है तभी आप जो है कंज्यूमर कोर्ट का रुख लें, तो एक प्लेन पेपर पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो दर्ज करा सकते हैं और एक उसमें जो है या आप जो है वेबसाइट पे जाइए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पे, उस पर भी आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है अपना नाम पता और जो ऑपोजिट पार्टी है उसका भी नाम पता और फिर जो है क्या आपकी कंप्लेंट है और फिर आप क्या कंपनसेशन चाहते हैं और उसके बाद में अपने हस्ताक्षर करिए। और एक फीस भी है इसमें जो कि 1,00,000 तक अगर आप कंपनसेशन चाहते हैं तो आपको 100 रुपए फीस भी भरनी पड़ेगी। जी शीतल जी, तो शायद हमारे व्यूअर्स आज ये जान रहे हैं आपसे कि अगर वो जागरूक है, अगर उनके पास जानकारी है, तो अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है ना सिर्फ वो उससे लड़ सकते हैं लेकिन उसके लिए जो मुआवजा है वो भी क्लेम कर सकते हैं। अगर मुआवजे की बात हो तो एक बात जो हमेशा जहन में रहती है वारंटी की, कि अगर वारंटी पीरियड के अंदर हमारा उत्पाद खराब हो गया है तो कंपनी को उसको या तो बदलना है या उसके लिए मुआवजा देना है, लेकिन जिस दिन ये वारंटी खत्म हो जाती है क्या कंपनी का सारा दायित्व खत्म हो जाता है? देखिए, वारंटी जो है वो कुछ शर्तों के साथ आती है। जैसे आपने कोई पंखा खरीदा तो उसमें लिखा होगा कि भाई ये चीजों के लिए वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है और कुछ पर्टिकुलर ईयर के लिए वो है। उसके बाद जो है कंपनी के जो है सर्विस सेंटर्स होते हैं और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फ्री नहीं मिलेगी सर्विस, लेकिन सर्विस तो मिलेगी और आप जो है अपना पैसा दीजिए और फिर सर्विस सेंटर में जाके आप अपनी चीज को ठीक करा सकते हैं। जी, लेकिन इसी को आगे बढ़ाएंगे गरिमा हम, कि यदि कंपनी अपनी इस दायित्व से मुकर रही है, वो नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए, तब एक कंज्यूमर के क्या अधिकार है, उनको कहां से वो निचोड़ कर सामने ला सकता है? आप जो है जो डीलर जो है वो एक तरह से
जो है अपॉइंट किया गया मैन्युफैक्चरर द्वारा, तो आप मैन्युफैक्चरर को लिखिए कि ये जो डीलर है वो आपका काम सही से नहीं कर रहा है और उसके सर्विस सेंटर में वो जो आपका चाहे टीवी खराब हो गया या जो भी प्रॉब्लम है। शीतल जी, आपको मैं इंटरप्ट करें क्योंकि रांची से दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप एक प्रश्न के साथ। जी, अपना प्रश्न पूछे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, अपना सवाल कीजिए। जी मैडम, जैन जी, मैं रांची से बात कर रहा हूँ। जी मैं शिक्षक के पद से ये जानना चाहता हूँ कि हम कितने रुपए तक का बिल ले सकते हैं और अगर उससे कम कीमत पर उत्पाद खरीदा जाए तो क्या रसीद ले सकते हैं? धन्यवाद। शायद ये पूछना चाह रहे शीतल जी कि कोई मिनिमम न्यूनतम वैल्यू है जिस तक कि बिल लिया जाता है कि हर वैल्यू के लिए बिल लिया जाता है प्रोडक्ट का और हर वैल्यू पे बिल मिलना चाहिए और कोई भी आप आइटम खरीदते हैं तो उसका बिल जरूर लीजिए। वही जैसे मैंने शुरू में बताया वही सबूत है कि आपने ये चीज खरीदी है। जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो यही आपका प्रूफ होएगा। जी, तो बिल लेना एक पहला कदम है जो एक ग्राहक होते हुए आपको उठाना है, तभी आप अपने अधिकारों को पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्टूडियो टीम गई थी और लोगों से उन्होंने पूछा था कि वो कितनी बार ऐसा होता है कि उनके साथ कुछ गलत होता है और वो कोई कदम उठाते हैं, उसकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ है तो पहले उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो, अपना सवाल कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, मैं जतीन तिवारी बोल रहा हूँ। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी केमिस्ट से कोई केमिस्ट की शॉप से मैं कोई दवा खरीदता हूँ तो लोग वो फिर मुझे रसीद देने से इनकार करता है, कोई कहता है तुम्हें रसीद की क्या जरूरत है? और केवल एक केमिस्ट से नहीं शीतल जी, अक्सर दुकानदार उत्पाद देने के वक्त मुकर जाते हैं और ये कहते हैं कि तुमको दो चार रुपए का फायदा हो जाएगा, तुम क्यों उसकी मुसीबत लेते हैं? पहले मैं इनका सवाल के लिए बताना चाहूंगी कि केमिस्ट से या जो भी आप दवा खरीदे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल ना करें और दूसरा है कि आप जो है बिल जरूर लीजिए। अगर वो केमिस्ट नहीं देता है तो आप उस केमिस्ट को छोड़ दीजिए। तो कंज्यूमर को ये हक है कि वो उस शॉप से ना ले, और भी दुकानें होंगी आप दूसरी दुकान पे चले जाइए। और जो है ये बॉयकॉट कर देना, अगर सब उपभोक्ता जो है जो भी बिल नहीं देता है उसको संगठित होकर बॉयकॉट कर देंगे तो इस तरह से ही जो वो प्रेशर पड़ेगा मार्केटर को पर और वो सबको बिल देगा। जी, तो आपने बहुत ही काम की बात बताई और जैसे कि हमने अपने दर्शकों से प्रॉमिस किया था हम उनको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें लोग कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। जरूर ले। मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले स्पेशली मेडिसिन खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कंज्यूमर कोर्ट जाकर उसको दूर कर सकते हैं, फायदा नहीं कुछ मुझे कोई वापस करेगा ही, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कंज्यूमर शुड बी अवेयर व्हाई आर देयर राइट्स इन ऑल। हाँ, मैं कैश में लेती हूँ, बिल लेना जरूरी है। कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करना पड़ता है? कंज्यूमर कोर्ट में करना होता है लेकिन बेसिकली उसके पहले एड्रेस में करते हैं, उसके बाद अगर वो ना माने तो कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। फर्स्टली हम शॉपकीपर से मिलते हैं, यदि वो नहीं मानता तो हम जिला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाते हैं और वहाँ पर उसकी कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कई बार दुकानदार हेरा फेरी भी कर जाते हैं, पुरानी चीज दे देते हैं फिर हम कंप्लेंट, फिर वो नाड़ जाते कि हमने ये चीज नहीं दी है, तो उसके लिए बिल होगा तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो हर कस्टमर का एक राइट और अधिकार होता है, उसके लिए वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है कहीं से भी तो उसके लिए उसको एमआरपी को पहले देखना चाहिए। कंज्यूमर राइट इज लाइक व्हाट वी आर एक्चुअली व्हाट वी आर राइट्स आर लाइक व्हाट वी आर कंज्यूमिंग एंड व्हाट वी वांट टू से थिंग इफ समथिंग एल्स इज गोइंग रॉन्ग सो वी कैन क्लेम दैट इट्स रॉन्ग सो इट्स आर राइट टू से दीज थिंग्स। सुनने में इतना टाइम लग जाता है, कंज्यूमर फोरम में आप जाइए उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम लगता है। कोई हमने कोई परचेज किया कोई आइटम तो उसकी हमें जो भी हम वो स्लिप देते हैं वो हमें उस टाइम लेनी चाहिए ताकि हमें वापस करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना है। जब भी कोई चीज देते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। कभी भी अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो रसीद जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप रसीद वगैरह कैश मेमो नहीं लेंगे तो आप वारंटी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। मेनी ऑफ देम डोंट नो द राइट्स एंड एज अ कंज्यूमर्स सो दे नीड टू बी एजुकेटेड मोर अबाउट द राइट्स एंड एवरीथिंग, दे शुड बी मोर अप्रोचेबल। तो देखा आपने इतने सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनमें कुछ जागरूकता तो है लेकिन कुछ उदासीनता भी है कि किस तरह से अपने अधिकारों को वो जाने उनको आगे बढ़ाएं। इस बात को हम और बढ़ाएंगे, शीतल जी से बात करेंगे लेकिन दिल्ली से जो हमारे कॉलर है आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। हेलो मैम, हमने एक एसी लिया है, दिल्ली मैंगलोर से बोल रही हूँ, तो वो वापस नहीं कर रहा है, एसी खराब हो रहा है तो वापस नहीं कर रहे हैं, वो इतनी शिकायत सुनने के बाद भी वापस नहीं कर रहे हैं।
जी शीतल जी, खराब हो चुका है एसी, वापस करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने बिल लिया है कि नहीं लिया या वारंटी पीरियड में है, और तो इस इन सब चीजों को देख के ही मैं बता पाऊंगी। पर ये है कि पहला है कि इन्हें सबसे पहले कंपनी को लिखें कि डीलर जो है जी, उसने गलत चीज इन्हें दे दी है, और उस पर ही प्रेशर डालें। अगर वो नहीं सुनता है तो आप जो है फिर एनसीएच के बारे में जो अभी आपको बताया गया है कि 1800114000 पे आप फोन करिए। शीतल जी, हमें पता चला है कॉलर ने कि उनको बिल नहीं दिया गया है, तो इतनी बड़े वस्तु लेने पर भी बिल एक तो नहीं दिया गया, दूसरा वो इतना हैरेस फील कर रही है ऑलरेडी क्योंकि उनका खराब एसी है, तीसरा कितना समय लगेगा इनको लगभग, क्योंकि कुछ लोगों का हमने सुना कि कंज्यूमर फोरम में उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो लगभग कितना समय लगता है एक कंप्लेन को पूरा अंत तक सॉल्व करने में? लॉ के उसमें तो देखा जाए तो 90 दिन में एक जो केस है वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, पर ऐसा पाया जाता है कि कई जगह जो है काफी देर लग जाती है, क्योंकि दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है और 21 दिन में तो ये डिसाइड होता है कि भाई आपका केस लिया जाएगा कि नहीं उपभोक्ता फोरम में, और उसके बाद में दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है, फिर उस वो भी अपना केस प्रेजेंट करता है, और उसके बाद में जो है अगर तो सॉर्ट आउट हो जाता है दोनों का, नहीं तो फिर कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस जो है पूरी कार्यवाही चलती है। तो ये सब प्रक्रिया में जो है 90 दिन तो नहीं सॉर्ट आउट होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही टाइम लग जाता है, जैसे 6 महीने से साल भर भी लग सकते हैं, कुछ कंज्यूमर फोरम में तो उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितने केसेस जो हैं उस कंज्यूमर फोरम में दर्ज कराए गए हैं। जैसे दिल्ली की फोरम में तो अभी जब से बनी है तब से लाइक 96% तक केसेस सॉर्ट आउट हो चुके हैं। जी शीतल जी, हमारी इच्छा थी कि आपसे बात करें और इस विषय को बढ़ाएं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। फिलहाल आपसे बस ये चाहेंगे कि आप वेबसाइट हमको एड्रेस बता दे जहां पर हमारे व्यूज अपने परेशानियों को शेयर कर सके और उनसे निपटारा पा सके। देखिए, एक तो एनसीएच है जिसपे आप अपना जो टेलीफोन के द्वारा अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, और फिर कोर सेंटर है जिसमें www.court.nic.in और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का वेबसाइट है fcamin.nic.in। जी, तो इन इन सब पे आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त अगर आपके पास है या आपने इतनी हिम्मत है कि आप वक्त के साथ आगे बढ़े, 6 महीने 1 साल लगे, लेकिन इस लड़ाई को, इस मुहिम को आप ना छोड़े, तो ना सिर्फ आप बल्कि पूरे समाज में जो ये परेशानी है कंज्यूमर्स से जुड़ी हुई, उससे शायद हम और आप निपटारा पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस के बारे में हमारे सभी दर्शकों को आपने बताया, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू लिविंग इन द सोसाइटी, वी आर एट द रिसीविंग एंड, सो वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर आर राइट्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। जी, तो शालू, हमने बहुत अलग अलग दुनिया के बहुत अलग अलग रंग लाकर अपने दर्शकों के साथ शेयर किए, और बहुत ही खूबसूरत रंग होता है फिल्म जगत का, फिल्मी गानों का, एंड आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग कम्स फ्रॉम द एरा ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज। तो देवानंद का एक बहुत ही खूबसूरत गाना तीन देवियों फिल्म का आपके लिए लेकर आए हैं, हैव अ लुक। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूम तो जरा ओ,